राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एट द रेट गरिमा मिश्रा में। आज मैं आपको फुल डे रूटीन दिखाऊंगी अपने घर का, और क्या क्या मैं डेली यूज काम करती हूँ वही दिखा रही हूँ यहाँ पर। और बस ये मेरा सुबह का टाइम है 11 बजे का, और मैं यहाँ पर अपने जो सोफ़े हैं उनको क्लीन कर रही हूँ, कपड़े सेट कर रही हूँ। बस उसके बाद यहाँ पर मैं सारी सेटिंग करने के बाद हम झाड़ू पोछा करेंगे। और कल है थर्सडे तो मंदिर जाना है, तो थर्सडे को मेरे यहाँ पोछा नहीं लगता है, इसलिए आज ही क्लीन कर लेंगे। तो सुबह से शाम तक का आज का रूटीन हम आपको शेयर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।
यहाँ पर मेरा एक और नया काम बढ़ गया, क्योंकि फ्रिज में आज गलती से कुछ सब्जी और दूध वगैरह गिर गया था मेरे से, तो बस यहीं पर काम बढ़ गया। तो मम्मी बोली लाओ मैं फ्रिज साफ़ कर दूँ, तो वही मम्मी फ्रिज क्लीन कर रही हैं और जो फ्रिज में मसाले के डब्बे होते हैं उनको वो साफ़ कर रही हैं। और हाँ, जो सूखे मतलब मसाले के जो स्पाइस बॉक्स होते हैं वो फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें फ्रिज में ही रखते हैं। और बस यही मम्मी वहाँ पर क्लीन कर रही हैं। एक एक्स्ट्रा काम आज हो गया मेरा, तो चलिए देखते हैं। और आज हम आपको पूरा फुल डे व्लॉग दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो आज का थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पर मम्मी जो है वो जो फ्रिज के बॉक्स होते हैं और हम लोगों ने ये फ्रिज के ऊपर जो नेट वाली जाली है ये डाल करके रखी है, उससे देखने में भी अच्छा लगता है और जो चीज़ गिरती है तो बाहर नहीं आती है, इसलिए हम लोग इसको लगा करके रखते हैं। बस यहाँ पर ये मम्मी धो चुकी हैं फाइनली सब, अभी उसमें सर्फ लगा करके वो साफ़ कर रही हैं। और तो बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। पर फ्रिज हमारी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुकी है और अब मम्मी यहाँ पर सारी जो स्लैब्स हैं वो रख रही हैं कांच की, और ये मम्मी ने सारी क्लीन कर दी फ्रिज। और यहाँ पर मैं
फ्रिज का फोटो शूट ले रही हूँ। एक्चुअली थंबनेल में लगाना था, इसलिए यहाँ पर हमारा फोटो शूट हो चुका है। फाइनल हमारी फ्रिज क्लीन हो गई है, तो अब देखते हैं आगे लुक। यहाँ पर जो हमने फ्रिज के सारे बर्तन वॉश किए थे इसलिए गीला हो गया था, तो उसको क्लीन कर रहे हैं। ये देखिए फाइनल लुक। अब ये हमारा यहाँ पर शाम का रूटीन चालू हो गया है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी दाल बनाने, और उसमें हम अभी थोड़ा सा उसको अच्छे से बीन लेंगे, क्योंकि कंकड़ वगैरह रह जाते हैं, उनको अच्छे से बीन करके आप गर्म पानी में थोड़ा सा डाल देंगे। बस दाल तो बन जाएगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्पाइस बॉक्स लेकर के उसमें सारे मसाले डाल रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी कुछ बताने आई थी, और साथ में हम उसको ढक करके अब गए हैं टमाटर लेने। तो बस यहाँ पर मैं 3 टमाटर को अच्छे से कट करके ग्रेट कर लूँगी। इसके बाद अब हम इन टमाटरों को दाल में और डाल देंगे। हमारे यहाँ क्या है ना कि दाल में टमाटर ज़रूर पड़ते हैं। हम लोगों के यहाँ टमाटर बहुत यूज़ होता है, अच्छा लगता है जैसा कहें। बिना अगर हम एक दिन भी दाल में टमाटर नहीं डालते तो अजीब दाल लगती है। तो बस यहाँ पर हमने दाल में टमाटर डाल दिया है। अब हम जा रहे हैं एक फ्राई पैन में मतलब चाय बनाने थोड़ी सी। और ये देखिए यहाँ पर हमने डेली यूज़ वाले में चाय पत्ती रख दी है, एक ग्लास दूध डाल दिया, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। यहाँ पर हमारी दाल काफ़ी पक भी चुकी है। ये देखिए हमारी चाय बन गई, और हम छान करके अब देने जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरी दाल हो चुकी है। अब हम उसको दाल को फ्राई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सेकंड फिर चाय बनाई थी, क्योंकि कोई आया हुआ था। और ये देखिए, और बस यहाँ पर वो हम जो कप थे उनको वॉश कर लेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद अब हम यहाँ पर उनको छान करके चाय दे आएंगे। ये देखिए, आइए आप लोग भी पीजिए आ करके। बस यहाँ पर अब पापा आ चुके हैं, और जो दूध के पैकेट हैं वो आ चुके हैं। अब हम उनको अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जो हमारा पुराना दूध है उसको हम गर्म कर लेंगे दोनों को। और यहाँ पर मैंने जो पुराना दूध था उसमें मलाई थी, उसको हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। करने के बाद एक डब्बे में स्टोर कर दिया है। अब ये हम अपनी चाय खुद की छान रहे हैं, साथ में पीते जाएंगे, काम भी करते जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर फ्रूट्स ले आई हूँ, अब उनको अच्छे से कट कर लेंगे। और जो अनार है उनके सीड्स निकाल करके एक जगह स्टोर कर लेंगे। बस यही मेरा डेली का रूटीन है। और मतलब सुबह से शाम तक का टाइम निकल जाता है, पता नहीं लगता। और यहाँ पर ये देखिए मैं सीड्स कुछ इस तरह निकालती हूँ। और यहाँ पर एक अनार के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप डेली यूज़ करते हैं अनार, तो जो हाथ होते हैं ना वो उनमें ब्लैकनेस आ जाती है। तो बस इसका एक उपाय है कि आप ग्लव्स पहन करके करें, इससे आपके हैंड भी सेफ़ रहेंगे और आपका ब्लैक भी नहीं होगा हाथ। तो अभी मेरे पास जो किचन यूजर्स वाले ग्लव्स हैं वो नहीं हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं यूज़ करने में, इसलिए उनको मैं अभी यूज़ नहीं करती। बस यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ खाना देने पापा लोगों को। यहाँ पर मैं डब्बा ले आई हूँ आटे का, और बस ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डेकोरेट करने के लिए, और डेली यूज़ में भी मेरे यहाँ यूज़ होती है बिना कोरिएंडर लीव के।
पापा को दाल नहीं अच्छी लगती। ये देखिए साथ में चाय भी पीती जा रही हूँ। और बस यहाँ पर अब हम बनाएंगे रोटी, तो फटाफट मेरी रोटी बन जाएंगी। और ये देखिए, ये हमारा छोटे वाले भगोने का दूध गर्म हो गया था तो मैंने उसको ऊपर रख दिया है। और ये फटाफट फटाफट रोटी बन गई, चाय भी पी ली। और चलिए, यहाँ पर मम्मी आई हैं पानी के लिए। एक्चुअली गैलन में पानी भरा था और बाल्टियों में ख़त्म हो गया था, तो बस यहाँ पर हम थोड़ी देर में अभी गैलन में पानी रखेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैं बर्तन जो है उनको ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो कैसरोल था, हॉट पॉट, तो उस पर हम मतलब सिल्वर फॉयल लगा करके रोटियाँ रख देंगे, स्टोर कर देंगे। यहाँ मम्मी से मैं कुछ बात बता रही थी कि क्या है, पता नहीं कोई बात थी तो वो शायद शेयर कर रही थी बस इसीलिए। और यहाँ पर कुछ मतलब दाल डाल दिया है हमने, खाना परोस दिया है हमने। यहाँ पर कुछ सेब और फ्रूट्स वगैरह उनके प्लेट में रख दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर सेकंड रोटी बनने लगी। तो चलिए, बस पापा की थाली जा रही है, आप लोग भी आइए और मिलते हैं आगे व्लॉग में। तब तक बने रहिए हमारे व्लॉग में। प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, यहाँ मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं और उसके बाद अब हम करेंगे अपने हाथों को भी क्लीन। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, बस थोड़ा सा रह गया है क्लीन करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे फुल डे रूटीन करते हैं, क्या क्या करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा।
मेरा तो यहाँ डेली का इतना ही काम हो जाता है, और बस यहाँ पर जो मैंने चाय बनाई थी बस उसी की ये फ्राई पैन है और टी पैन है सॉरी, और बस ये यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर दिया है। सिंक को भी, ये मेरा जो मैंने हाथ को क्लीन करना है उसके लिए हमने यहाँ पर एक शैम्पू के शैशे को उस पर डाल दिया है, और यहाँ मैंने आधा लेमन को स्क्वीज कर लिया है। अब उसको हम अच्छे से अपने हाथों में रब करेंगे और थोड़ी देर हाथों को डिप कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म था तो इसलिए हमने उसको अच्छे से मतलब पानी हल्का सा ठंडा कर लिया उसको डाल करके, और यहाँ पर हम उसको 10 से 5 मिनट के लिए अच्छे से रब करेंगे, और करने के बाद आप उसको हल्के से ब्रश में थोड़ी देर उसको मसाज करेंगे, और जो हमारे नेल्स होते हैं उनके क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स उसमें आप रब करिए तो जो डस्ट होगी वो सारी निकल जाएगी। मैंने कभी किया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है।